अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बैड न्यूज़ फॉर फार्मर्स। ऑटो डीएपी सब्सिडी न्यूज़ टुडे। टेलको सब्सिडी न्यू अपडेट। टेलको सब्सिडी कब आएगी जो हो चुकी है? क्या डीएपी की सब्सिडी टेलको हो रही है? किसान सब्सिडी वेरिफिकेशन कब स्टार्ट होगी? डीलर डिवाइस वाली सब्सिडी कब कहां तक पहुंची है? सबसे पहले बात करते हैं जी ऑटो डीएपी सब्सिडी। तो ऑटो डीएपी सब्सिडी काफ़ी दोस्तों की आई है, कुछ दोस्तों की टेलको भी हुई है। और बाकी रिप्लाई की बात की जाए तो आज की डेट में रिप्लाई नहीं आ रहा। जब भी कोई सिस्टम की अपडेटिंग की जाती है तो रिप्लाई बंद हो जाता है। इसके अलावा कुछ खबरें ये गर्दश कर रही हैं, काफ़ी दोस्तों ने मुझे स्क्रीनशॉट्स भी भेजे हैं कि सब्सिडी जो है किसान पैकेज जो भी है वो ख़त्म कर दिया गया है, मतलब एग्रीकल्चर की जो सब्सिडी है वो ख़त्म कर दी गई है। तो अभी तक तो ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला, ना ही ऐसा होता है। खबर कुछ और होती है, हमें समझ कुछ और आती है। तो अभी तक डीएपी की सब्सिडी जो है वो इंशाल्लाह उम्मीद है कि चलेगी। अगर फंड ख़त्म हो जाता है तो सब्सिडी टेलको होती है। जिन दोस्तों की सब्सिडी टेलको हुई है मुझे कमेंट में बताए, क्योंकि टेलको सब्सिडी तब होती है जब फंड ख़त्म हो जाता है। तो अगर फ़ंड ख़त्म हो गया तो दोबारा से जब फंड अपडेट होगा तो कूपन वेरीफाइड हो जाएंगे, दोबारा से पेमेंट आपकी आ जाएगी। और हो सकता है ऑटो सब्सिडी आज की डेट में ही जो आई है वो आई हो, ऐंदा से हो सकता है कुछ दिनों के लिए ऑटो सब्सिडी बंद हो जाए। क्योंकि अगर टेलको सब्सिडी हुई है तो फिर ऑटोमेटिकली ऑटो सब्सिडी बंद हो जाएगी, जब फंड अपडेट होगा तो फिर स्टार्ट होगी। और वेरिफिकेशन के बारे में काफ़ी दोस्तों के मैसेजेस कमेंट्स मौसूल हुए हैं, तो वेरिफिकेशन की अभी कोई कंफर्म डेट मालूम नहीं है कब तक स्टार्ट होगी। स्टार्ट ज़रूर होगी इंशाल्लाह, लेकिन वो फ़ंड पे डिपेंड करता है। जब गवर्नमेंट फ़ंड रिलीज़ करेगी तो उस वक्त वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगी, अगर वेरिफिकेशन वाला फ़ंड रिलीज़ किया जाएगा तो। अभी तक कोई कन्फर्म रिपोर्ट नहीं है वेरिफिकेशन के बारे में। और जो टेलको सब्सिडी हुई है पोटाश की वो भी अभी तक नहीं आई। R42 वाले कूपनों की सब्सिडी जो है वो टेलको हुई थी राइस सीड की, वो भी अभी तक अब नहीं मिली। डीलर डिवाइस की बात की जाए तो डीलर डिवाइस की सब्सिडी काफ़ी दिनों से आ रही थी, जो कूपन मिस हुए थे अंगूठा ना लगने की वजह से, तो वो पेमेंट तकरीबन आ चुकी है जिन लोगों की आनी थी। अब मेरे ख्याल से वो नहीं आ रही, क्योंकि उसके बाद पहले डीलर डिवाइस वाली सब्सिडी स्टार्ट हुई है, उसके बाद ऑटो सब्सिडी स्टार्ट हुई है। ऑटो सब्सिडी कुछ दिन के लिए बंद हुई थी, अब स्टार्ट है। आगे देखते हैं सुबह की डेट में क्या होता है। रोज़ाना की न्यू अपडेट आप लोगों से शेयर करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।